अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता सोफो निज़्बा, कोई भी नहीं। सोफो निज़्बा, ये आबिदा है। आबिदा? हाँ, ये भेष बदल कर तुझे पकड़ने, जलाकर खाक करने आई थी, और अब देख वो चल रही है। जंजीरे अहन बन जा, जंजीरे अहन बन जा, और बांधे सोफो निज़्बा को। नहीं होती तो तू आज इस जिस्म में नहीं होती। आबिदा और उसके बाप ने तो तेरा जिस्म जलाकर खाक कर दिया था, वो मैं ही थी, मैं जादूगरनी मर्रेखा, जिसने शरारा गुल के मुर्दा जिस्म में तेरी भटकती हुई रूह को दाखिल करवाकर तुझे एक नई जिंदगी दी। बस कर अब अपनी ये जादू की तारीफ, और इन जंजीरों को खोल दे, खोल दे इन जंजीरों को। आबिदा, छोड़ दे मुझे, खोल दे इन जंजीरों को, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। वो तो तू ख्वाब में भी नहीं खा सकेगी। मैं अकरम और बाकी लोगों की मौत का बदला तुझसे जरूर लूंगी। पहले तो तुझे मैं पूरी दुनिया में घुमाऊंगी, और फिर तुझे जमीन के सातवें हिस्से में दफन कर दूंगी। दफन? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा तो मैं करके रहूंगी। तूने अपना गंदा जिस्म और शैतानी हुस्न दिखाकर मुझसे मेरे होने वाले शोहर को छीना है। मैं तुझसे शरारा गुल का जिस्म छीन लूंगी, तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगी। बदकार औरत, लानत है तुझ पर जादूगरनी,
मरिखा लानत है तुझ पे। लानत न भेज बदतमीज बदरू, तू इतनी जल्दी शैतानी काली ताकतों से मायूस हो गई? और देख, अब मैं ये तेरी जंजीरें खोलती हूँ। ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो, ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो, हाजिर है ताक जिन तबाक जिन हाजिर है। क्या हुक्म है ऐसा हीरा मरीखा? बदरू शरारा गुल सोफो निजबा को इन आहनी जंजीरों से आजाद करो, जल्द आजाद करो। जो हुक्म है ऐसा हीरा मरीखा। बिल 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 ठीक कह रही है, उस आबिदा को खत्म कर डालो तो ये जंजीरें खुद ब खुद खुल जाएंगी। मुखबिर मददगार जिन हाजिर हो, मुखबिर मददगार जिन हाजिर हो। क्या हुक्म है? मुखबिर मददगार जिन, देख तेरे इस्तकबाल के लिए जादूगरनी मरीखा के दो शैतानी जिन खड़े हैं। बड़ी मुद्दत से यह आरजू थी कि हाथ लंबे और सीधे करूं। खुदा का शुक्र है कि आज मेरी यह आरजू पूरी हो जाएगी। तेरी यह आरजू आखिरी आरजू होगी और वो तेरे दिल में ही रह जाएगी, जो कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, वही होगा जो हम चाहेंगे, वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तुझे मारने के लिए हमें शैतान बिन शैतान की मदद हासिल है, और मेरे काम में अल्लाह की मर्जी शामिल है। डर शैतान के मानने वालों से, उनकी ताकत ने चारों ओर अंधेरा फैला रखा है। जब अल्लाह के बंदों के ईमान की रोशनी फैलती है तो शैतान डर कर भाग जाता है और मर जाता है, सिर्फ उजाला ही उजाला रहता है। ऐ इबलिस परस्त, बस खामोश ऐ खुदा परस्त। अल्लाह अकबर। दगाबाज, धोखेबाज, कमीनी जादूगरनी, मुझे छोड़कर भाग गई। बदतमीज कमीनी जादूगरनी, डरपोक बुजदिल, अल्लाह वालों से डर गई। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। मरीखा, साहिरा मरीखा, मुझे भी साथ ले जा। घबरा नहीं, हम तुझे साथ ले जाएंगे। बदरू डाई, कोहिस्तान किले की शहजादी शरारा गुल।
जिशान की बीवी, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निजवा, तुझे हम खूबसूरत पिंजरे में शीशे के कैद खाने में ले जाकर रखेंगे। आमिदा बेन, मैं तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। अच्छा, सलाम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। इन्हें मैंने ही बुलाया था अब्बा जान। जब मैं इनके यहाँ मुआफी मांगने गई थी तो मैंने ही कहा था कि अगर मैं ना आ सकी तो आप आ जाना। मैं अभी आई अब्बा जान। ओ चचा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चचा जान, उस शर्मिंदगी का जिक्र करके तुम हमारे गम को ताजा ना करो। तुम भूल जाओ आबिदा से शादी की बात को, हम नहीं भूलेंगे। ये जानवर जैसी आवाज कहां से आ रही है? अरे खौफनाक और डरावनी आवाज आ रही है, इसमें कोई जानवर बंद है क्या? हाँ, इंसान की शक्ल में जानवर। इंसान की शक्ल में जानवर? फिर तो ये बड़ा ही अजीब जानवर होगा। है अजीब, देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। फिर तो हम जरूर देखना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे होश उड़ जाएं। अभी नहीं, सही वक्त आने पर दिखाएंगे। इससे अच्छा वक्त और कब आएगा? सिर्फ तुम ही नहीं, इस पिंजरे में कैद अजीब खूंखार और खूबसूरत कैदी को सारी दुनिया देखेगी। हाँ, और जब तुम भी हकीकत जान जाओगे जिशान, तो तुम भी हैरान रह जाओगे। और वो वक्त बहुत जल्द आ रहा है। वो वक्त आने से पहले ही बदरूह सोफो निजबा को आबिदा और आमिल के पिंजरे की कैद से आजाद कराना होगा। अगर आजाद नहीं करा तो सुन ले ऐ जादूगरनी मलिका, सोफो निजबा के साथ लोग तुझे भी मार देंगे। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे वफादार गुलाम परिंदे। जब आबिदा और उसका बाप आमिल बदरूह सोफो निजबा पर अल्लाह का पाक कलाम पढ़कर फूकेगा तो बदरूह सोफो निजबा की शक्ल बदल जाएगी और वो बदरूह अपनी असली शक्ल में पूरी डायन बनकर सामने आ जाएगी। सोफो निजबा को डायन की शक्ल में देखकर फिर वही लोग जिनके अजीज रिश्तेदार और दोस्तों के खून हो गए हैं वो बदला लेने के लिए गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे और बदरू नाइन सोफो निजबा को मार डालेंगे। मरने से पहले वो बार बार तेरा नाम लेकर पुकारेंगे। आमिल और आमिदा अपने पागल से तेरे जादुई तहखाने के जादू को तहसील कर देंगे और तुम मार नहीं जाएगी। हाँ, जानती हूँ कि सोफो निजबा की मौत मेरी मौत है, मेरी मौत। इसीलिए उस बदरूह सोफो निजबा को जल्द से जल्द आजाद कराना चाहिए। Ha 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 ha
हाजिर है तवाकिन, तवाकिन हाजिर है। क्या हुक्म है साहिबा परिखा? जैसा कि तुम दोनों को मालूम है, बदरूह डाइन शरारा गुल सोफो निजबा आमिल कामिल और उसकी बेटी आबिदा के घर में शीशे के पिंजरे में कैद है। सोफो निजबा को आजाद कराना होगा, वरना वरना सोफो निजबा के साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी और मेरा ये जादुई तहखाना तहस नहस हो जाएगा। जो हुक्म साहिरा मरीखा। ठहरो, सोफो निजबा को वहां से आजाद कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आमिल कामिल और उसकी बेटी आबिदा ने अपने पाक इल्म से अपने मकान के चारों तरफ हिफाजत के लिए पहरे पर परियों को तैनात कर रखा है। तुम दोनों को बहुत होशियारी से उन परियों के बीच परी बनकर मकान के अंदर दाखिल होना होगा। जो हुक्म से मरीखा। और अगर तुम दोनों को किसी भी तरह की मुश्किल पेश आए तो मैं यहां से तुम्हारी मदद करूंगी। जरूर जादूगरनी ने भेजा होगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है साहिरा, ये शीशे का कैद खाना इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि आमिले कामिल ने अपने पाक इल्म से इस पर पढ़कर फूंका है। मेरे जाने के बाद तुझे इस कटोरे में एक मोती नजर आएगा। जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा।
हूं।